आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया हसन नगर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पब्लिक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें चीफ गेस्ट राजेंद्र नगर कांग्रेस कैंडिडेट कस्तूरी नरेंद्र ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस वर्कर्स के अलावा जावेद मोहम्मद, ताजुद्दीन अबरार शरीफ, बाबर नवाज के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र नगर कांग्रेस कैंडिडेट कस्तूरी नरेंद्र ने तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं इसी की एक तफसीली रिपोर्ट। इसी तरह की मजीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई एक मीटिंग तो परेशान हुए, मगर कांग्रेस पार्टी ये जरूरी ऐलान कर रही है आरएसएसडी के तहत 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने का। कांग्रेस पार्टी की आपकी खुशहाली की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ले रही है और हमारी यही मर्जी का हर मस्जिद के देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमारे मंदिर को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अगर जिनको बस पे फिरना पसंद नहीं कांग्रेस पार्टी उनको एक स्कूटर देने का ऐलान कर रही है। मगर ये छोड़ के सियारों को बेरोजगार बनाया। कांग्रेस पार्टी ने कुछ स्कॉलरशिप दी, यही केसीआर ने उन तमाम नौजवानों को 12% का चॉकलेट देकर बेरोजगार बनाया, मगर आज कारोबार नहीं कर। इसलिए कांग्रेस पार्टी हर नौजवान जो परेशान है, जो कारोबार करना चाहता है, उनको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट। कारोबार करो, सोचो, बड़ा सोचो, साफ देखो, कारोबार करो। पैसों के पास 10 पास होते हैं, हमारी माँ बाप को खुशियां होती है, दावतें करते हैं, तो साथ में कांग्रेस पार्टी करती है 10 पास का। ये कांग्रेस पार्टी ऐलान कर रही है और साथ राजेंद्र नगर कांस्टिट्यूएंसी में ये चात्रपुरम में फिरते फिरते एक बहिरंग सभा में आए। वो बहिरंग सभा में पूरे लोग को अन्याय में सर का बात कर रहे, बोले तो कोई फैसिलिटी सी नहीं दे रहे। वो पब्लिक को देखो तो उन लोगों का बात ना देखो तो कल के दिन मुसीबत होने का चांसेस ज्यादा है। उन लोगों को कोई फैसिलिटी सी नहीं दे रहा, कोई गवर्नमेंट नहीं दे रहा। अब तक 10 साल जो टीआरएस गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जब जरूरत पड़ी, जब जरूरत आना, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, ये डेवलपमेंट करता हूँ, वो पथका देता हूँ, ये माइनॉरिटी को ये देता हूँ, ये पूरा बोल के मौसम करके उन लोगों से वोटा डाला लेना, फिर 5 साल को आना, फिर वोटा डाला लेना। तो अब क्या कर रहे माइनॉरिटीज लोग, सोच लिए ये टीआरएस माइनॉरिटी को पूर्व को अन्यायम कर रहा उन लोगों को, इसलिए सबसे में बैठ के एक डिसेट ले लिया उन लोग कांग्रेस को डालना। जो कांग्रेस जो फैसिलिटी से दे रहे, जो पत्का दे रहे, वो पत्का अमल करके या माइनॉरिटी लोगों को देना बोल के सबसे अब तक बोले। इसलिए क्या कर रहे बोले तो या आप ये टाइम पे राजनार कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल कांग्रेस को वोट डाल के मेरे को असेंबली भिजा के भिजा तुम बोल के वागदान करे उन लोग। तो जो पत्का है उन लोग मेरे कैसे बोले, मैं भी वैसे पूर्वों को लेके आके एक सभा लगा के घर को कैसे जाना, क्या जाना, क्या हिसाब से जाना, किसको किसको देना, पूर्वों को 200% देते। एक अगर कांग्रेस गवर्नमेंट जो आए पीछे जो वागदानामा करे 200%, वो भी वागदानामा कंप्लीट होते बोल के मैं पूर्व के मीडिया के सामने मैं वागदान मैं भी कर रहा हूँ पब्लिक के लिए। मैं सोशल वर्क करके पूर्व के लिए डेवलपमेंट के लिए सोच के रोड़ा नहीं है बरोबर, ड्रेनेज नहीं है बरोबर, पानी नहीं आ रहा, यहाँ लाइटा नहीं आ रहे, पलट के देखने वाला भी कोई भी नहीं है।
आने का 30 तारीख के दिन सब्जे ने डिसाइड करे कांग्रेस वोट डाल के जिता के उन लोगों का शास्त्रीपुरम सुलेमान नगर ये पूरे में डेवलपमेंट करना बोल के मेरे को वाग्दानम करे मैं करावा। मैं ये जो पत्का है ना ये पत्का हो गया पीछे गवर्नमेंट आते ही 90 दिन में ये अमल करते ये अबायस डेवलपमेंट ये पत्का बाद में ये जो बच्ची अपन के घर में जो बच्ची रहती शादी मुबारक कर नीचे 1,60,000 रुपए दे के फिर 1 तोला सोना देते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी पास होके स्कूल को जाना बोले तो बच्ची को स्कूटी भी दिला रहे गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कांग्रेस गवर्नमेंट जो बात देती बात पे रहने वाला पार्टी एक ही है कांग्रेस पार्टी। कितने जन में डर आते एक जन डर आते दो जन डर आते 10 आदमी डर आते पूरा दुनिया तो नहीं डराते ना उन लोग वो डरा ना बोले तो एक महीने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आते जब मालूम होता किसका डर किस कहाँ रहता उसको जो अपन का पास हमारे को भरोसा करके जो रह रहे उसको 200% हम सपोर्ट करते। अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद ताजुद्दीन शास्त्रीपुरम डिवीजन प्रेसिडेंट कैंडेस्ट कॉर्पोरेट आज राजेंद्र कांसे में शास्त्रीपुरम में जो प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हिसाब से प्रोग्राम हुआ और काफ़ी मेजोरिटी आई हुई है इसके अंदर और जैसे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम रहेंगी हमारे कैंडिडेट जीने के बाद हम एक पूरा काम कराएंगे बस्ती के अंदर और बस्ती में काफ़ी कुछ परेशानियाँ हैं तो जैसे मतलब डेली हर वो चीज़ की छोटे से बड़ी तक तकलीफ़ हैं यहाँ पे। अभी तक हमारा जो MLA प्रकाशगढ़ था तीसरी मरतबा जीता उसने लेकिन बस्ती में कुछ आज तक नहीं आया। पावर जो है ना MLA का ज़्यादा है कहाँ कॉर्पोरेटर का ज़्यादा रहता है तो कॉर्पोरेटर से डर के उसने कोई डेवलपिंग नहीं कर रहा है इसने यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हम बिंदास काम करेंगे अल्लाह चाहे तो और हमारी पार्टी जीतेंगे तो राजेंद्र कांसेस में अच्छे से अच्छा वोट लेके आएंगे और पूरी पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए जो गवर्नमेंट की स्कीम कांग्रेस पार्टी आएंगे तो उसके फायदे उठाइए। स्कीम क्या क्या है कांग्रेस कांग्रेस की फिलहाल 206 स्कीम गारंटी कार्ड है 200 यूनिट लाइट फ्री है जेफ लोगों को 2,500 रुपये है 4,000 रुपये और जो एकदम जो जेफ पेंशन है और 500 रुपये में गैस सिलेंडर है और लेडीज़ को जो ना बस फ्री है तेलंगाना स्टेट में। लोग का कहना है तो 50 साल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की तो कुछ काम नहीं करे तो अब क्या करेंगे पब्लिक का कहना है अरे वोट के लिए ऐसा बोल रहे कि ये स्कीम देंगे वो स्कीम देंगे जीतने के बाद फिर वैसे ही करेंगे पहले दौर के अभी तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है। ठीक है अभी जैसे तेलंगाना अलग होने से पहले KCR साहब बोले थे कि भाई तेलंगाना अलग हुआ तो बंगारू तेलंगाना गोल्ड तेलंगाना बने कोसा तेलंगाना बना बंगारू माइनॉरिटी के लिए 12% रिजर्वेशन था एक मुसलमान जो है ना 25 लाख का मकान बोले थे लाइट नल फ्री बोले थे थोड़े दिन के बाद उन्हें फिर अपना लगा दिए जैसे आज गाड़ियों पे टैक्स देखो हर जगह पे दुनिया का लुटन पाटी हो रही उनके सिर्फ बोलने की बात है उनकी। ये कांग्रेस इतने साल से जो कांग्रेस पार्टी करी आज किसकी देने ये अगर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का नहीं देती तो KCR साहब कहाँ रहते थे आज जो बैठे हुए राजा बन के तो कहाँ रहते थे ये सब नहीं होने वाला है मसला जो कांग्रेस पार्टी देंगी ये वादा करेंगे बराबर देंगे तो वादा करी वादे पे नहीं वादे पे कायम नहीं। सोनिया गांधी जी बोले थे कि तेलंगाना देंगे तो दिए थे ये भी स्कीम जो आएंगे अगर लागू हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी आ जाएंगी तो श्योर 100% जो ना क्या सक्सेस है ये और देंगे हुकूमत राजेंद्र नगर में डेवलपमेंट का काम रुके हुए बहुत सारे रुके तो जब आपके कैंडिडेट जीतेंगे जी तो आपको काम कराएंगे माइनॉरिटीज के भी कई मसले थे कई बच्चियों को जो शादियों में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को एजुकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है एरिया डेवलपमेंट जैसा रोड CCTV स्ट्रीट लाइट डेवलपमेंट नहीं हो रहे तो आपके कैंडिडेट जीते बाद वो काम आप करेंगे पूरा वादे के तो 100% कराएंगे। हमारे कैंडिडेट जीतने के बाद जो हर गली गली हम फिरेंगे जो जो जरूरतमंद का काम है जो मसले है हम कराएंगे काम वो हमारी वादा है इसमें आवाम से।